हिंदुत्व आपका मुद्दा नहीं था। सुन लीजिए, हिंदुत्व सुन लीजिए, हिंदुत्व और विकास एक दूसरे के पर्याय हैं। कैसे सर, जरा एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे। हिंदुत्व का क्या मतलब? कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वाले बीच में हिंदुत्व को भूल गए। मतलब क्या है एक्सप्लेन करिए, हिंदुत्व का मतलब क्या है मिश्रा जी? सर मुझे नहीं पता, एक्सप्लेन आप करिए। अच्छा आप एक और कह रहे थे ना, हिंदुत्व का मतलब जीवन पद्धति है, उनके जीवन पद्धति में सहजता सरलता सुगमता है, यही तो विकास है। केवल मानसिक और वैचारिक विकास बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की और सर्वांगीण विकास आप जो चर्चा करिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हो रही है। सुनो, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हिंदू तो सर कैसे बता रहा हूँ आपको, बता रहा ऐसा है जीवन स्तर कैसे सुधरेगा आपका? हाँ, कैसे कि भारत वैचारिक नहीं, वैचारिक नहीं, आर्थिक आर्थिक बताइए, आर्थिक और सामाजिक और राष्ट्रीय तीनों सामाजिक और वैचारिक क्यों बताइए? अब आप बता, पैसों की कमाई की रोजगार की इसकी बात करिए, ये जीवन स्तर आपको 5 लाख रुपया दें और चौराहे पर 2 जूता मारे तो उससे आपका विकास नहीं हो। सामाजिक भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए। सुनिए, मानव सामाजिक प्राणी ना, सर आप इंडस्ट्री और रोजगार चाहिए ना। सर मैंने मान लिया वैचारिक मामले, वैचारिक मामले में इंडिया बहुत रिच है, आपकी जरूरत नहीं, आरएसएस की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है, बीजेपी के सिद्धांतों की जरूरत नहीं है, हमने आरएसएस की जरूरत है, हमने आरएसएस और बीजेपी से ये चीजें नहीं सीखी है, जरूरत नहीं, हमारे घर में हमारे बाप दादाओं ने जरूरत है, जरूरत है, हमारे सोसाइटी ने सिखाई है। आप जबरदस्ती सनातन धर्म के पुरोधा मत बनिए, पुरोधा नहीं मत बनिए सर, पुरोधा नहीं बनिए। आरएसएस के पहले भी हम शिवाजी और महाराणा प्रताप और राम को जानते थे और पूजा करते थे। कितना बच्चों को आपने सिखाया, कितना बच्चों को आपने सिखाया, मानने की बात है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस को कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। एक और जहां रुझान हम गुजरात में, यही हमने कह रहे हैं कि हमारा सुशासन है, ये हमारा जनता का स्नेह है, जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, जो हमको बार बार सेवा करने के लिए अवसर देती है। हम सत्ता का माध्यम नहीं, हम तो सेवा का माध्यम मानते हैं, तो हमको सेवा के लिए जो अवसर देती है, अवसर अवसर देती है सर, कि आप अपने कुशल प्रबंधन से अवसर को छीन लेते हैं, अवसर बना लेते हैं, क्लियर कर दीजिए। ऐसा है कि आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कहने के लिए सर जो सही है मैं बता रहा हूं। आपको अपने मैनेजमेंट पे पूरा भरोसा है ना? मैनेजमेंट इसलिए कि कई बार तिलक जी मैं यहां भी पढ़ के देखिए, दो तरह बार बार एक चीज कहते हैं, स्टूडेंट से तुलना करते हैं कि दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक ये होते हैं जो एग्जाम जब आता है तो एग्जाम जब आता है तो उस समय वो मेहनत करते हैं और उस समय मिश्रा जी मेहनत करके वो 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और उस पर पूरी तैयारी करते हैं और पास हो जाते हैं। हम लोग वो छात्र नहीं है, हम लोग 365 दिन कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी हमको जरूरत होती है तो दूसरे से भी मार्गदर्शन ले लेते हैं, उसमें चाहे संघ का हो। साल भर मेहनत की, 33.5 नंबर पासिंग मार्क है तो 34 नंबर लेके पास हो गए और बोल रहे हैं साल भर मेहनत की। अच्छा रुक जाइए, एक चीज सुन लीजिए, रुके रुके ना, कैसी मेहनत सर साल भर बता रहा हूँ। अरे आप पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़े होते, मेंटेन किए होते, 165 सीट 170 सीट तब हम तोड़े बता रहे कि साल भर आप तोड़े हैं। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ा नहीं, आप ही लोग दिखा रहे थे, जितने राजनीतिक विश्लेषक थे कह रहे थे कि भारतीय जनता, आपने कितनी सीट से हमको दिखाना शुरू किया, 18 सीट से। नहीं नहीं मैंने नहीं बोला था, मेरा स्टेटमेंट पता नहीं, मैं नहीं था आपके साथ, लेकिन लोग 18 से हमको शुरू किए थे, 18 सीट दे रहे थे और पिछली बार आप कांग्रेस को देखिए तो 21 सीट उनको मिली थी, आज हमको 80 सीट मिल रही। परिवर्तन की बात करते हैं, साल भर तैयारी जो पढ़ाई की है, कौन से ट्यूटर से मुझे वो जानना है सर, कौन सा आपका अध्यापक था जिसने साल भर आपको पढ़ाया कि पिछली बार से कितना कम या ज्यादा हो गया ये सर, अपनी परफॉर्मेंस बता रहा हूं, कांग्रेस से क्यों कर रहा है हम कहा उससे तुलना कर, हमने एक बार भी उससे तुलना नहीं की। पिछली बार आप लाए 80%, अब की बार 30%, हम उससे तुलना कर ही नहीं रहे। उनके तो जो 80 और 30 पर हैं वही फेल हैं, नहीं नहीं वो पासिंग मार्क्स, वो तो 35 अंक ले आते हैं, पता नहीं हम तो समझ ही नहीं पाते। पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हैं सर, ये पासिंग मार्क्स नहीं, देखिए दो चीजें हैं,
कुछ एग्जाम होते हैं जिसमें आप डिक्टेंशन लाते हैं और कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं। अब आईएएस आपको बनना है तो आप डिक्टेंशन थोड़ी खोजें सर, उसमें भी मिनिमम 15 साल के शासन के बाद एंटी एमकेएमसी की बात आप करते हैं, 15 साल के शासन के बाद, ये मामूली बात नहीं है। हम कहां मुद्दे से भटके? मेरा सवाल यही था कि अब 2019 में मुद्दा रहेगा राम मंदिर? हम सुन लीजिए, फिर से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राम मुद्दा, राम मंदिर जो चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारे आस्था का विषय है। चुनावी हमारे वो रहेगा आप संविधान नहीं, संविधान के पहले पन्ने पे क्या राम दरबार कह दिए क्यों? अरे हम तो राम राज की अवधारणा है और जब भी हमको अवसर मिलेगा, आज 5 साल कम था सर, 4 साल हो गए। देखिए हमको जब भी अवसर मिला उस संवैधानिक दायरे में जितना भारतीय जनता पार्टी से करते बना, हमने फैजाबाद को अयोध्या किया, हमने वहां दीपावली सुन लिया नहीं कैसे, हमने कहा कि हमने नगर दीजिए अचानकगर महापालिका बनाया, रुकिए हम भव्य राम राम की मूर्ति बना रहे हैं, सुनिए मंदिर नहीं बनाएंगे उसकी जगह हम भव्य राम मूर्ति बनाएंगे, आज पूरे देश में 1000 मूर्तियां बनाएंगे लेकिन मंदिर नहीं बनाएंगे। एक सेकंड आइए कि मेरे साथ बैठिएगा, एक सेकंड राम मंदिर पर चर्चा करेंगे, आप किसी मुद्दे पर एक दिन मेरे मुद्दे बताइए, मंदिर के लिए अध्यादेश लिया, मंदिर पर है आप, आरक्षण के लिए अध्यादेश लिया लेकिन मंदिर के लिए आप बोल रहे हैं मुद्दा सीधा यही था कि क्या राम मंदिर मुद्दा होगा 2019 में या सोनो, अब मुद्दे को भटका रहे आप। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जब भी हमको जब अवसर मिला, हम तो चाहते कल वहां से मंदिर बने और हम ही बनाएंगे, तिलक जी मैं कह रहा हूँ, किसी में नैतिक साथ में हम लोग थोड़ी है कि पहली बार पूजा करने गए वो तो पूछा गया है। उनके लोग मुद्दा ही बना रहे हैं, मंदिर नहीं बना रहे, मुद्दा बना रहे हैं। बार मिश्रा जी आप तो मिश्रा जी हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, आपको पता होगा यहाँ पे ब्राह्मण ढूंढेंगे आप। सर हमसे ज्यादा राम भक्त आप नहीं है, मैं आपको बता दूं, भक्त नहीं कह रहा हूं, और हमसे ज्यादा चिंतक भी नहीं है आप राम मंदिर के। सर्टिफिकेट तो कम से कम मत ले, मैं आपके काल इनेमी वाली राम भक्ति की बोल खोल रहा हूं। आप सर्टिफिकेट कौन राम भक्त हनुमान की मत बनिए, जिस दिन आप बनवा देंगे उस दिन बात करेंगे। अनुज अग्रवाल जी मैं ब्रेक लूं, उससे पहले मुझे एक चीज समझाइए कि सर क्या वाकई में आंकड़ों में कई संदेश नहीं छुपा बीजेपी के लिए? बीजेपी तो कह रहे कि नहीं हम तो खुश हैं, और ये वही बीजेपी है जो टारगेट रखती है अब की बार 200 पार। देखिए सामान्यता स्थिति जब एंटी इनकमिंग चल रहा है, खुश हैं किसने कहा हम खुश है? सर आप सरकार बना रहे हैं, सरकार बना रहे दो चीजें, ना 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 एक मिनट मैंने कहा सरकार बना, लेकिन दो चीजें हैं फिर आज अजीब बात कर रहे हैं। जो आदमी सुखी हो जाए, संतुष्ट हो जाए, अगली बार अगर हम फर्स्ट डिवीजन पास हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए अगली बार हम डिक्टेंशन से आए, तो हम संतुष्ट होने वाले नहीं है और हम संतुष्ट हो जाएंगे। अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो एक राज्य में सरकार बनाएंगे। दो विधायकों से भी सरकार बनाई है 2013 में इन्हीं तीन राज्यों की जीत से बीजेपी को एक बड़ा आत्मबल मिला था, और 2014 में मिश्रा जी आपने नोट किया पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो राज्य स्तर पर फोड़ दिया गया, और अगर निगम का चुनाव जीतते हैं तो मोदी जी ने जितवा दिया। मैं आपको बताता हूं, एक सवाल है कि मान लीजिए चलिए बीजेपी सरकार बना लेती है 2-4-6 सीट से, हम एक एज्यूम कर लेते हैं, सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा जो कि सिंह साहब नहीं समझ पा रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, बहुत विद्वान है वो समझ रहे हैं लेकिन नहीं वो जो समझ रहे हैं मैं उससे भी परे की बात बताता हूँ। चावला जी 4.5-5 साल लग गए मोदी को ब्रांड बनाने में, ओके, इनके पास इकलौता ब्रांड है मोदी, दूसरा ब्रांड इन्होंने पैदा किया 2.5-3 साल लग गए योगी को ब्रांड बनाने में। अब ये इलेक्शन अगर हार गए या ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया तो मोदी ब्रांड तो खत्म हो गया, तो 2019 में किसको ब्रांड बनाएंगे? 6 महीने में ये मोदी जैसा ब्रांड खड़ा कर लेंगे? जल्दी ब्रांड खड़े नहीं होते सर, डेंट तो हुआ, डेंट इनका मोदी ब्रांड खत्म हो जाएगा सर, अगर 3 बार के मोदी का ब्रांड सर, इनको रीपोजिशनिंग करनी पड़ेगी, रीब्रांडिंग करनी पड़ेगी मोदी की। फिर बीजेपी को यही है कि इनका ब्रांड खत्म हो रहा है। देखिए साउथ में